हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, आज बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट जेनेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको शेयर करने जा रही हूं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकी नियमों का वर्णन कीजिए। विभिन्नता किसे कहते हैं? विभिन्नताओं के कारण एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए और डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। जिनकी ओपेरान संकल्पना पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, स्प्लिट जीन और ओवरलैपिंग जीन। न्यूक्लियोसोम के सोलेनाइड मॉडल पर टिप्पणी लिखिए, लिंकेज क्या है। जेनेटिक कोड की परिभाषा दीजिए व उसके सामान्य गुणों का वर्णन कीजिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, टाटा बॉक्स। पूर्ण लिंकेज और अपूर्ण लिंकेज को संक्षेप में समझाइए। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया तथा महत्व का वर्णन कीजिए। सेक्स लिंक्ड हेरिडिटी से आप क्या समझते हो? निम्न पर टिप्पणी लिखिए, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। रायल डिसीज क्या है? बहुगुणिता पर निबंध लिखिए। म्यूटेशन क्या है, इसके प्रकार व महत्व को समझाओ। भौतिक म्यूटाजेन को समझाइए। मल्टीपल फैक्टर और मानव रक्त समूह पर निबंध लिखिए। आनुवंशिकी बीमारियां क्या है, उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। ऑटोसोमल सिंड्रोम तथा सेक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम को समझाइए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, थैलेसीमिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आप क्या समझते हो, इसकी निर्माण विधि को समझाइए। जीन क्लोनिंग के उपयोग बताइए। वेक्टर से आप क्या समझते हो, लिंकर के उपयोग लिखिए। पीसीआर क्या है, पीसीआर के विभिन्न चरणों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पीसीआर और जीन क्लोनिंग में अंतर बताइए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, सदर्न एवं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। जीन थेरेपी पर एक निबंध लिखिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक एवं उसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये प्रश्न आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। थैंक यू।